तो दोस्तों आज आपको मैं दिखाऊंगा मेरा ये जो इंडिका है इसका आज मैं हीटर प्लग को चेक कर रहा हूँ। और अभी जो सर्दियों का मौसम है सभी इंडिका इंडिगो में हीटर प्लग चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गाड़ी जो विंटर सीजन है उसमें बहुत दिक्कत देती है सुबह। तो आज मैं अपनी इंडिका का हीटर प्लग चेक कर रहा हूँ और हीटर प्लग का हालत क्या होगा खोलने से पता चलेगा। तो चलिए अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हीटर प्लग को खोलने के लिए आपको 7 नंबर वाला रेंच चाहिए, देख सकते हो ये 7 नंबर वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें 4 बोल्ट होता है यह। तो हीटर प्लग का जो मेन 4 बोल्ट होता है सभी को मैंने खोल दिया है। अभी ऐसा एक फ्रेम है, देख सकते हो यह, ये फ्रेम बाहर आ गए है ये। जो हमारा हीटर प्लग होता है उसको खोलने के लिए आपका 10 नंबर वाला टी चाहिए, तो ये 10 नंबर वाला है। अभी मैं एक एक करके खोल रहा हूँ। तो एक हीटर प्लग को मैंने खोल दिया, देख सकते हो इसका हालत। इसका नाम क्या है? अब आपका जो हाथ में है हीटर प्लग। हीटर प्लग, अच्छा। तो गाइस आप देख ही सकते हैं ये हीटर प्लग है। तो चारों को मैं खोल रहा हूँ अभी। तो दोस्तों देख सकते हो चारों हीटर प्लग को मैंने खोल दिया है, यह देखिए। और अभी चारों को चेक करते हैं बैटरी लगा के। तो अभी मैं एक एक करके चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हीटर प्लग है इसमें प्रॉब्लम है, ये जल नहीं रहा। अभी ये चेक करते हैं। तो ये सही है। ये भी सही है। और अभी ये जो है ये लास्ट है। तो 3 हीटर प्लग सही है, एक खराब है। अभी इसको फिर से चेक कर लेता हूँ जलता है कि नहीं। तो देखिए ये जल नहीं रहा, ये खराब है। तो इसको अभी मैं चेंज कर देता हूँ, मेरे पास दूसरा हीटर प्लग है इंडिगो ECS का। और मेरी जो इंडिगो है दोस्तों ये पहले एक ही सेल में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी गाड़ी थोड़ा मीजिंग मारती है। तो दोस्तों यह देखिए यह 4 हीटर प्लग है। ये जो है ये इंडिका का है पुराना, और तीनों जो है बाकी तीनों इंडिगो ECS का है, और ये जो इंडिका का पुराना है वही है। तो अभी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ये उससे अच्छा है। तो दोस्तों चारों हीटर प्लग को मैंने लगा दिया गाड़ी में, और जितने भी बोल्ट थे सबको मैंने टाइट कर दिया है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करना है।
तो चलिए अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपने देख लिया अभी गाड़ी लॉन्ग सेल्फ नहीं ले रहे, बहुत स्मूथ चल रहा है अभी इंजन। तो दोस्तों जैसा मैंने इसको चेक किया, आप लोग ऐसा ही चेक करिए, अगर आपकी गाड़ी में सुबह मीजिंग मारती है या फिर लॉन्ग सेल्फ लेती है गाड़ी, इसमें हीट अप लग का दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।